मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में ईद मिलाद जुलूस के दौरान पथराव और नियमों के उल्लंघन के कारण 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने बताया कि पथराव और जुलूस की शर्तों का उल्लंघन करने के चलते पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए लोगों में डीजे संचालक भी शामिल है, जिनके डीजे सिस्टम भी जब्त कर लिए गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पथराव के मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है और फुटेज के आधार पर बाकी दोषियों की पहचान की जा रही है। जुलूस के नियमों का उल्लंघन गंभीर मामला माना जा रहा है। इस घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। इस तरह के मामलों में कानून का पालन करते हुए पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। बालाघाट से भी ऐसी खबर सामने आई है, जहां एक धार्मिक जुलूस के दौरान फलिस्तीनी झंडा फहराने पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि जुलूस में झंडा लहराने वाले युवक की पहचान हो चुकी है और उसके अन्य साथियों का पता लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में ईद मिलाद का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। कुछ छीटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरे राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बना रहा। हर जिले में धार्मिक जुलूस में समुदायों ने संयम और सद्भावना का परिचय दिया। भोपाल में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समाज के गणपति विसर्जन के चलते 18 सितंबर को निकलने वाले मिलादुन्नबी जुलूस को एक दिन पहले 17 सितंबर को निकालने का निर्णय लिया। इस निर्णय की सभी ओर से सराहना की जा रही है, जिससे समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा मिला।